असलम गाइस आज हम एक्सरसाइज टेन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर एट करेंगे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर सेवन के तीनों पार्ट कंप्लीट किए थे अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है गो एंड वॉच इट तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत सारे एयर्स में आया है लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक्सरसाइज टेन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर एट है अ सेट ऑफ डेटा कंटेंस द वैल्यूज एस ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है एंड कह रहे हैं शो डेट मोड इज़ ग्रेटर देन मीडियम एंड मीडियम इज ग्रेटर देन मीन सबसे पहले हम मोड मीडियम एंड मीन फाइंड करेंगे एंड देन इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले मोड फाइंड करते हैं टू फाइंड मोड मोड फाइंड करने से पहले इन सब वैल्यूज़ को हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ फर्स्ट अरेंज द वैल्यूज या फर्स्ट अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर तो छोटे से बड़े हमें नंबर्स तक लिखने हैं छोटे से बड़ा नंबर तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास है यहाँ पर 145। फोर्टी देन इससे बड़ा नंबर है हमारे पास 148। फोर्टी देन इससे बड़ा नंबर है वन फिफ्टी देन इससे बड़ा है 157। देन इसके बाद है हमारे पास 160। 160 सिक्सटी एज यू कैन सी थ्री टाइम्स आ रहा है क्वेश्चन में तो ये हो जाएगा वन सिक्सटी वन सिक्सटी वन सिक्सटी वन सिक्सटी के बाद है वन सिक्सटी फाइव तो ये हमने अब सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है अब सबसे पहले मोड फाइन करते हैं आपको पता है कि मोड वो वैल्यू होती है जो सेट ऑफ नंबर्स में सबसे ज़्यादा दफा गिवन हो हमारे पास यहाँ पर मोड होगी वन सिक्सटी क्योंकि ये सेट ऑफ नंबर्स में थ्री टाइम्स आ रहा है तो मोड हमने फाइंड कर लिया 160 अब नीचे रीजन भी लिख देते हैं कि मोड 160 क्यों है बिकॉज इट इज रिपीटेड थ्री टाइम्स नाउ हमने मोड फाइंड कर लिया अब मीडियन फाइंड करना है तो लिखते हैं टू फाइंड मीडियन मीडियन में सबसे पहले हम देखेंगे एन मीन्स टोटल नंबर हमें कितने के इवन है और वो इवन है या ऑट है क्योंकि इवन फाइंड करने का फॉर्मूला अलग होता है एंड ऑर्ड फाइंड करने का फॉर्मूला अलग होता है तो काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल नंबर है हमारे पास एट ये एट इवन है तो फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू nth value upon टू प्लस n प्लस टू ओवर टू ये फार्मूला नया नहीं है हम पिछले क्वेश्चंस भी पिछले क्वेश्चंस में भी हम इसे पढ़ चुके हैं वैल्यू तो ये फॉर्मूला था मीडियम का अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है जस्ट हमें तो ये हो जाएगा वन ओवर टू nth वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर एट upon टू वैल्यू जहाँ जहां एन आएगा वहां वहां हम एट पुट करेंगे प्लस एन प्लस टू है हमारे पास एट प्लस टू ओवर टू वैल्यू इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा वन ओवर टू बहुत केयरफुली करना है टू वन जा टू टू फोर जा एट फोर्थ वैल्यू प्लस टेंथ Upon 2 8 plus 2 ten value now 1 over 2 fourth value plus 2 1s are 2 2 5s are 10 5th value now फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू हमें इन सारे सेट ऑफ नंबर्स में से फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू देखनी है तो देखते हैं काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फोर्थ वैल्यू वन फिफ्टी सेवन है एंड फिफ्थ वैल्यू वन सिक्सटी है तो यहाँ पर इन दोनों की जगह पे वन फिफ्टी सेवन एंड वन सिक्सटी पुट करेंगे वन ओवर टू वन फिफ्टी सेवन प्लस वन सिक्सटी अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसे प्लस करते हैं ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा वन फिफ्टी सेवेन प्लस वन सिक्सटी तो ये इक्वल है थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटीन के थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटीन ना अब थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटीन को डिवाइड करेंगे टू से तो ये हो जाएगा इक्वल वन फिफ्टी एट पॉइंट फाइव तो मोड मीडियन uh, हमने फाइंड कर लिया वन फिफ्टी एट पॉइंट फाइव ये हमने मीडियन फाइंड कर लिया नाउ अब हमें फाइंड करना है मीन नाउ मीन फाइंड करने का फॉर्मूला वही होता है जो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है तो ये होगा एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एक्स अपॉन एन सबसे पहले हम यहाँ पे सेट ऑफ नंबर्स को ये सारे नंबर्स को हमें यहाँ पर समअप करना है तो करते हैं सबसे पहला है वन फोर्टी फाइव प्लस वन फोर्टी एट प्लस वन फिफ्टी सिक्स प्लस वन फिफ्टी सेवन प्लस वन सिक्सटी प्लस वन सिक्सटी प्लस वन सिक्सटी प्लस वन सिक्सटी फाइव और ये टोटल नंबर है हमारे पास एट नाओ अब इन सब को कैलकुलेटर की हेल्प से समअप करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास वन फोटी फाइव प्लस वन फोटी एट प्लस वन फिफ्टी सिक्स प्लस वन फिफ्टी सेवन प्लस वन सिक्सटी प्लस वन सिक्सटी प्लस वन सिक्सटी प्लस वन सिक्सटी फाइव तो टोटल नंबर हमारे पास आ गया वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी वन वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी वन को आप डिवाइड करेंगे एट से डिवाइड किया एट से तो आंसर आ गया वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट थ्री सेवन फाइव तो वी कैन राइट मीन इज इक्वल्स टू वन सिक्स फिफ्टी सिक्स पॉइंट थ्री सेवन फाइव ना अब हमें कंपेयर करना है हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि शो डैट मोट इज ग्रेटर देन मीडियम एंड मीडियम इज ग्रेटर देन मीन तो मोट है हमारे पास सबसे पहले लिखते हैं मोट ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन यहाँ पे मोट की वैल्यू है हमारे पास 160 सिक्सटी वन सिक्सटी साइन ग्रेटर देन कहा जाएगा मीडियन मीडियन की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 158.5 तो ये मीडियन आ गया 158.5 एंड मीन हमारे पास यहाँ पर गिवन है 156.37 तो एस यू कैन सी के 160 ग्रेटर है 158.5 के एंड 158.5 ग्रेटर देन है 156.37 के तो ये हमें शो करना था और ये है हमारे पास आंसर आई होप गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना थैंक यू